ओवर से और स्ट्राइक के ऊपर है करण मोरिस बिलोंगिंग फ्रॉम पालघर और इजाज कुरैशी बल्लेबाजी के ऊपर। ये दोनों सलामी बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जिगर 11 के कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से। गेस्ट प्लेयर्स एक महत्वपूर्ण देखे प्रतियोगिता रही है वहां पे। अच्छा महत्वपूर्ण अच्छा आयोजन किया जा रहा है जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब अड़गाम भोयावाड़ की ओर से। नदीम धनुरी ये विकेट कीपर है महत्वपूर्ण सर। देखिए पिछले तीन साल महत्वपूर्ण रहे नदीम धनुरी के लिए। बंटी पटेल फील्डिंग कर रहे शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। लेट्स प्ले फाइन लेग के सन के ऊपर अब शामिल किया जा रहा है बंटी पटेल को। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे शॉट लॉन्ग ऑफ की ओर आधी पिच के ऊपर जा पहुंचे थे। ये रन आउट होते होते बचे वहां पे करण मोरे। पेरी गेंद डॉट की गई वहां गेंदबाज की ओर से। पारस नायक फील्डिंग कर रहे हैं शॉट गली के स्थान के ऊपर शॉट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर। जिमी दरबार कप्तान स्नेहल पटेल फील्डिंग कर रहे हैं शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। एक डीप मिड विकेट भी शामिल किया जा रहा है करण पटेल के लिए। सुनील ने गेंदबाजी के ऊपर एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है और इस बार पंच किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर चार रन के लिए। केवल पंच किया था देखिए डीप कवर के फील्डर्स जिमी दरबार। चार रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ टीम जिगर 11 का चार रन। इस बार स्वीप करना चाह रहे थे ये ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की गई एक ही एक्शन में गेंदबाज की ओर से। ये बहुत ही कठिन है किसी गेंदबाज के लिए उसको काफी सरलता के साथ किया जा रहा है सुनील की ओर से मानी लिविन दस्तान के लिए। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच पहला मैच सेमीफाइनल मैच जीता गया वीटी वॉरियर्स उमर 11 की ओर से और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है टीम। और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज सुनील की ओर से गेंद गई विकेट कीपर नदीम धनुरी की ओर। अच्छी गेंदबाजी देखिए विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है सुनील की ओर से। मानी लिविन दस्तान के प्रमुख गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। स्नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर है इजाज कुरैशी। इस बार दिस को स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज गेंद गई फिर से नदीम धनुरी की दिशा में। कोई रन स्कोर इस बीच रुका हुआ चार रन एक अच्छा ओवर बीच मैदान के ऊपर सुनील नईन की ओर से मानी लिविन दस्तान के लिए। साहिल वर्मा फील्डिंग करे शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर और इस बार पंच किया स्ट्रेट पंच किया बल्लेबाज ने गेंद जारी सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चार रन कहीं भी सर अंपायर्स की ओर से। तो ओवर की भी समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम जिगर 11 का आठ रन कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत कर चुकी है मानी 11 दस्तान और जिगर 11। एक लंबी मीटिंग होने जा रही है देखे बंटी पटेल मंसूरी केएल के बीच जिसमें ज्यादा टाइम न लिया जाए। फील्डिंग टीम के कप्तान स्नेहल भाई पटेल प्रवीण
दर्शक मित्रों से विनती है कि जो मतलब सीमा रेखा है उससे थोड़ा हटकर दो तीन फीट लेकर अपना स्थान ले, जिसमें कोई दुविधा ना रहे फील्डरों को। प्रवीण ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, प्रवीण सिरकंडे। और स्ट्राइक के ऊपर है इजाज कुरैशी। जीगर 11 की ओर से पहले ओवर में एक सकारात्मक गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही दोनों टीम के बीच पहले दूसरे सेमीफाइनल मैच में। इस बार हरक्या से स्ट्रोक को खेला गया, फील्डर थे वहां पे, डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे वहां पे, सूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट पॉइंट के फील्डर संकेत टंडेल की ओर से। शॉट थर्डमैन शामिल किया जा रहा है, शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर बंटी पटेल, शॉट फाइनल के स्थान के ऊपर जिमी दरबार। इस बार आसान कैच वहां पे संकेत टंडेल के लिए, खूबसूरत कैच लिया गया शॉट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर संकेत टंडेल की ओर से। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जीगर। के पास है और वही बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से। एक शॉट फाइनल, एक शॉट स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर जीत पटेल खजूड़ी, शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर कप्तान स्नेहल पटेल। इस बार आ गया कस्ट्रो को खेला, सीधे मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर फील किया गया, एक स्विंगिंग यॉर्कर गेंदबाजी की गई, एक अनप्लेबल बॉल भी है किसी भी बल्लेबाज के लिए। स्कोर बीच रुका हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। पहला विकेट गया इजाज कुरैशी के रूप में। और इस बार हाफ वॉली बनाकर शो को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 6 रन के लिए, और कैच पकड़े तुरंत आ जाए वहां पे टी शर्ट के लिए, ये तुरंत आए वहां पे। देखे वहां पे उनको 70-70 का एक टी शर्ट। इस बार सीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए वहां नदीम धनुरी की दिशा में, तब तक 1 रन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जीगर 11। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर संकेत टंडेल, सुनील नेट फील्डिंग कर रहा है शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर, शॉट गड़ी के स्थान के ऊपर जिमी दरबार, शॉट कवर के स्थान के ऊपर पारस नायक। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, और ये दूसरा रन भी इस बीच पूरा कर चुके और डायरेक्ट हिट में बहुत दूर से वहां पे 2 रन पूरे किए गए शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 17 रन। टी शर्ट दिया जा रहा है देखे वहां पे 70-70 स्पॉट्स की ओर से, जो भी कैच पकड़ता है बाउंड्री लाइन के बाहर उसको 70-70 का टी शर्ट दिया गया। अच्छी सोच है वहां राकेश भाई की ओर से और परिमल भाई पटेल की ओर से। स्कोर 17 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जीगर 11। सुनील नेहर को कंटिन्यू शामिल किया जा रहा है
रोडेन से, और स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत मुंडे। कैलकुलेटेड इनिंग कई बार खेल चुके हैं रजत मुंडे। अच्छे परफॉर्मेंस देखे किए हैं। नजीमुल्ला ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्मेंस किया गया था, लेकिन नजीमुल्ला ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विजय पावले, मैन ऑफ द सीरीज इन नजीबुल्ला ट्रॉफी। खूबसूरत है देखे सन चले पूरे ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में। और इस बार आगे अगस्टो को खेला बल्लेबाज ने सिली मिडॉन के स्थान के ऊपर, एक स्विंगिंग यॉर्कर की गई वहां पे सुनील नैन की ओर से, गेंद गई सिली मिडॉन की ओर जाकर वहां फील किया गया। अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है सुनील की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 17 रन, जिगर 11 का पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक कप्तानी की जा रही है मान 11 दस्तान के कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर्स पारस नायक की ओर से। कवर में कोई फील्डर्स नहीं था ये सोचा गया पारस नायक की ओर से, फलस्वरूप एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। विकेट के अनुरूप गेंदबाजी देखिए बंटी और सुनील नैन के बीच बातचीत हुई वहां पे लाइव स्ट्रीम 70-70 लाइव। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले। और ये 70-70 बॉल तो 70-70 बैट किट बैग्स ये सारे धन मिल जाएंगे आपको 70-70 के ऊपर। और 70-70 निकेत स्पोर्ट्स पीछे गुजरात धमाका बिग बैश का आयोजन कर रही है 28-31 में हरणगाम जेम्सन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। और इस बार हार्ड लेन गेंद वहां गेंदबाज की ओर से गेंद गई वहां पे नदीम धनुरी की दिशा में, गुड लेंस के ऊपर से थोड़ा उछल भरा गेंद, ये पूरा सिरे जा रहा है पिच क्यूरेटर की ओर। एक स्पॉटिंग विकेट बनाई जा रही है पिच क्यूरेटर की ओर से। स्कोर रुका हुआ 18 रन अभी तक रोक कर रखा है सुनील नैन ने। केवल 9 रन दिए गए पिछली 9 गेंदों के ऊपर सुनील नैन की ओर से। और इस बार फ्लिक किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। ये आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। जीगर 11 और मान 11 दस्तान के बीच का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच। मस्त है। और इस बार फिर से इस बार स्ट्रोक को खेला स्लॉग स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, पहले फ्लिक कुछ देखिए कहा जा रहा है वहां नदीम धनोरी की ओर से। गेंदबाज सुनील ने इनको स्कोर जा पहुंचा है जिगर 11 का 30 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बहुत शानदार पारी खेली जा रही है करण मोरे की ओर से, 10 गेंदों के ऊपर 22 के ऊपर पारी खेल रहे करण मोरे। इनके ऊपर है रजत मुंडे, 5 गेंदे 8 रन के ऊपर पारी खेल रहे हैं। फील्ड में एक परिवर्तन किया जाए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर स्नेहल पटेल। और ये कैच है आसान कैच है, थोड़ी दूरी नहीं ले पाए साहिल वर्मा गए गेंद के नीचे। खूबसूरत पोजीशन बनाई गई साहिल संजय वर्मा की ओर से। ऐश्वर्य सुर्वे
ऐश्वर्य सुर्वे मैन ऑफ द मैच के लिए आएंगे। पहले सेमीफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच हुए हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे। थैंक यू अजीत सर, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा कार्निवल, फिर से एक बार छद में दिखा, हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर 30 रन 2 विकेट, गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। प्रवीण की अच्छी गेंद थी इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन थोड़ी बाहर, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर, 31 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे प्रवीण की बात करें तो अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए पहले ओवर में प्रवीण ने 10 रन और एक सफलता हासिल की थी। वैसे मिड विकेट के ऊपर कप्तान स्नेहल पटेल, कप्तान कुल फिरकी के फनकार फिलहाल मिड विकेट के ऊपर। चढ़ वाली गेंद देखिए, थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया, सीधा थ्रो हुआ, डायरेक्ट हिट होती तो कुछ बन सकता था। बंटी पटेल थे वहां पे, एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन वहां पे सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, एक रन की बढ़ोतरी यानी 32 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। जिगर 11 वर्सेस मान 11, दस्तान 11 के बीच में ये मुकाबला। हल्के हाथों से खेला इस मैच, देखिए लॉग ऑफ की दिशा में जीत पटेल यानी खजूरडी एक्सप्रेस के नाम से पहचाना जाते हैं। वैसे पाटीदार समाज के बहुत ही नामांकित खिलाड़ी है जीत पटेल। फिलहाल लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक अच्छा थ्रो, वहां से सिंगल, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी, 33 रन। तो अब मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा कैमरामैन। ड्राइव कर दिया इस बीच, लॉग ऑफ की दिशा में पीछे खिलाड़ी है वहां पे साहिल, जब तक फील करते हैं लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर थ्रो हुआ यहां पे गेंदबाज की ओर, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था, सिंगल के साथ एक रन और जुड़ेगा और यहां से 34 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओके राज भाई, तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पहले सेमीफाइनल मैच में ऐश्वर्य सुर्वे, आप मैन ऑफ द मैच मुंबई से यहां पधारे, कैसा लग रहा है इधर का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, और एक मैच बाकी है वो भी जीतने का कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या रणनीति रहेगी ग्रैंड फाइनल मुकाबले में आपका? वैसे भी ओके राज भाई कंटिन्यू। थैंक यू दिव्यस भाई। तो इस बीच बहुत ही बेहतरीन, जब मैन ऑफ द मैच का वहां पे सेरेमनी चल रहा था तो पवन केने का बहुत बेहतरीन लाजवाब सिक्सर देखने को मिला था, स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत अच्छा फ्लिक किया था और वहां से सिक्सर के लिए गेंद गई, 6 रन 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से एक बार प्रवीण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अब तक एक असर या 4 गेंद में 20 रन दे चुके, एक सफलता हासिल की है। वाइड यॉर्कर के ऊपर इस बीच चक्का और ड्राइव कर दिया स्नेहल, वहां पे जब तक फील करते दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, गेंदबाज की ओर थ्रो किया गया। देखिए पवन केने की बात करें तो बहुत स्टाइलिश खिलाड़ी है, उसके चाहने वाले की कमी नहीं है। देखिए आज काफी सारे लोगों ने फोटो निकाले होंगे और शाम तक बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, पवन केने के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं गुजरात में। फिलहाल नष्ट है गेंद के ऊपर, अब गेंदबाज प्रवीण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर रजत मुंडे। ऑन साइड के ऊपर इस बीच बल्ला जरूर घुमा, बल्ले को स्वाइप किया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधे नदीम के पास
डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई अंपायर के जरिए। वहां पे चार ओवर की समाप्ति 42 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। साढ़े दस का करंट रन रेट चलता हुआ यहां से अनुमानित स्कोर 63 के आसपास जा सकता है। एक लंबी सोच बनाई जा रही है कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, क्योंकि दो ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो आने वाला ओवर है पेन अल्टीमेट ओवर और अल्टीमेट ओवर आने वाला है यानी स्लॉग ओवर। अब स्नेहल के हाथ में गेंद थमाई गई है। फिरकी के जादूगर मैजिशियन के नाम से पहचाने जाते हैं, कप्तान कूल के नाम से पहचाने जाते, बहुत सारे उपनाम दिए गए स्नेहल पटेल को। उस प्रकार के गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बॉलर एंड के ऊपर हमारे अंपायर महोदय सतीश कुरुप सर और स्ट्राइकर एंड के ऊपर अंपायर सर अजीत मात्रे सर। उस प्रकार से क्वालिफाई अंपायर को टीवी अंपायर के रूप में हमारे साथ है कॉम्बॉक्स में कल्याणी गोरपड़े सर, क्रिक हीरोज के स्कोरर सलमान रावत और महेंद्र चौधरी की 70-70 की पूरी टीम का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। हमारे कमेंटेटर के पैनल का भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे और दर्शक मित्र का, आयोजन कमेटी का, डीजे साउंड सभी लोगों का आभार। अच्छा शॉट देखिए, इसमें चट्टान दिया है यूजन हाई मैक्सिमम मिड विकेट के ऊपर आउट ऑफ पार्क सिक्सर और 6 के साथ 48 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से एक बार यहां पे दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर और गेंद गई है बाहर, उड़ती हुई गई, पंख लगाकर बेचा, दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर। देखिए पवन केने के हैट्रिक सिक्सर के ऊपर फ्रेंचाइजी ऑनर जिगर भाई की ओर से 2100 रुपया दिया जाएगा, लेकिन हैट्रिक सिक्सर अब दो लगा चुका है बैक टू बैक, तीसरा सिक्सर लगेगा क्या उसका इंतजार रहेगा। देखिए दर्शक मित्र में भी ताली बजी थी, बहुत अच्छा शॉट डो देखने को मिला था। इस बीच स्नेहल पटेल को अपना जादू दिखाना पड़ेगा। स्ट्राइक के ऊपर पवन केने, ड्राइव किया इस बीच, वहां पे थ्रो होगा लेकिन पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर संकेत तंडेल, जब तक वहां पे गेंद को रोकते फील करते 2 रन मुकम्मल किया। अगर डायरेक्ट हिट होती तो वहां पे निश्चित रन आउट होके जाना पड़ता, लेकिन अवसरों के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ा यानी बाय वन गेट वन फ्री, एक के ऊपर एक फ्री में रन मिला और स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। 5वां ओवर प्रगति के ऊपर 56 लॉस ऑफ 2 विकेट 5th ओवर प्रोग्रेस। स्लाइस कर दिया इस बीच, वहां पे गेंद गई है सीधे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, बेहतरीन चौका इस बीच। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, 7 गेंदों के ऊपर 26 रन। बल्ला चला लेकिन संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी करवाई। पवन केने के बारे में मैं बात कर रहा था, 7 गेंदों के ऊपर 26 रन, 3 सिक्सर 1 चौका, 325 का स्ट्राइक रेट के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए यहाँ पे बेहतरीन अपरकट देखने को मिला था और गेंद गई थी 4 रन के लिए। फिर से स्नेहल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और देखिए चाचा चौधरी का ड्रीम सेमी लट और लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई है 6 रन के लिए।
देखिए यहाँ पे वैसे 66 रन बन चुके हैं। अब छठे ओवर में जितने भी सिक्सर लगेंगे हर सिक्सर का 1100 रुपया जिगर भाई की ओर से स्पेशल प्राइस है। देखिए मान भी मिलेगा सम्मान भी मिलेगा लेकिन एड़ी चोटी का जोर लाजमी है वहां पे। एक तरफा प्यार कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता, दोनों ओर से प्यार दिखाना पड़ता है। जिगर भाई आपका बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ पे अपनी टीम की एंट्री भी करवाई, बहुत सारे स्टार को शामिल किया। अब उसके हौसला अफजाई के लिए हर सिक्सर का 1100 रुपया एक बड़ी अमाउंट कही जाती है। वैसे 500-500 के दो नोट और 100 रुपया का नोट लगता है 1100 साथ में इकट्ठा करने के लिए। अब आखिरी ओवर वहां से पारस नायक ड्राइव कर दिया इस बीच बैकवर्ड पर की समय गेंद जा रही है, गेंद का पीछा करेंगे लेकिन गेंद जाएगी बाउंड लाइन की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच वाइड यॉर्कर के ऊपर चौका देखने को मिला। अच्छा शॉट इस बीच रजत का और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 70 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। छठे ओवर की शुरुआत चौके के साथ। देखिए पवन केने ने पिछले ओवर में 24 रन जोड़े, इस ओवर में रजत मुंडे ने शुरुआत कर दी है। देखिए इस बीच फाइनल के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक फील करते थ्रो करते इस बीच सर पहले घुमाता है, बाई के रूप में रन काउंट किया जाएगा और एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 71 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो छठा ओवर प्रगति के ऊपर है, अब पवन कहने पहुंच चुका स्ट्राइक के ऊपर। हैट्रिक सिक्सर लगेगा तो इस्माइल भाई की ओर से 1000 रुपया हमारे पास आ चुके हैं कैश। गेंद गई है इस बीच थर्डमैन के ऊपर बंडी पटेल की दिशा में, वाइड बॉल यानी कि एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा सनरिस के साथ। स्कोर मूव ऑन टू 72, लॉस ऑफ 2 विकेट। पेन अल्टीमेट ओवर खत्म हो चुका है, अल्टीमेट ओवर प्रगति के ऊपर पारस नायक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ले का किनारा इस बीच बंटी का बहुत अच्छा फील्डिंग, गली की दिशा में थ्रो हुआ लेकिन तब तक एक रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जुड़ेगा। अब 73 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ पे देखिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पे जीत चुकी है वीटी वॉरियर 11, दूसरा सेमीफाइनल जिगर 11 और मान 11 दस्तान के बीच में। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी जंग है लेकिन दोनों टीम दमखम रखती है, दोनों के पास वो कैपेसिटी है। अच्छी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, लास्ट गेंद के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन वहां पे रन पूरा कर चुके थे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन बाई के रूप में। देखिए आंखों से जिस प्रकार से काजल चुराया जाता है उसी प्रकार से रन की चोरी कर ली वहां से। स्कोर कार्ड के ऊपर 74 रन 74 रिव्यू लिया गया है वहां पे। फेयर डिलीवरी और इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और फिर से एक बार देखिए ऊपर भी गई दूरी भी और छह रन की मंजूरी भी, बेहतरीन सिक्सर।
87 रन का टारगेट है, 87 रन बनाना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। तो इस बीच यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर का, और बाउंड्री लाइन से जो थोड़ी दूरी है वो बना के रखिए और थोड़े थोड़े वहां पे स्पेस रखेंगे ताकि हमारे खिलाड़ी को तकलीफ ना हो। तो आपका बहुत अच्छा सहकार मिला है सबसे से, और भी आगे अच्छा सहकार मिलेगा, तो आपका बहुत बहुत आभार। मैच जीतने के लिए 87 रन का टारगेट है। अटग्राम भोयावाड़ एवं 70-70 पंथ स्पोर्ट्स आयोजित लिमिटेड ओवर्स टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, खिलाड़ियों को लखपति बनाने वाली यह टूर्नामेंट है। पहला इनाम 1 लाख और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 50,000 रुपये और ट्रॉफी। और अभी अभी बहुत इंप्रेसिव पारी खेली है पवन केने ने, 45 रन। फायर ब्रांड इनिंग्स, 12 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 6 सिक्स लगाए। और रजत मुंडे द सिल्वर बॉय, चार्मिंग बॉय ऑफ चांबरली, 11 बॉल 14, 1 चौका 1 छक्का लगाया और 18 बॉल में 56 रन की जो भागीदारी हुई वो मैच विनिंग भागीदारी साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है उसमें जिगर 11 का काम हो चुका है, अब मान 11 दस्तान, ये भी बहुत मजबूत टीम है और इस मैदान पर पटाखे फूटेंगे आज ऐसा मुझे लग रहा है। अनार से लेके जमीन चक्री से लेके लक्ष्मी बॉम्ब, सुथली बॉम्ब और बहुत सारा रोमांच, क्योंकि अब जिम्मी आ चुका है। जिम्मी पिछले मैच में 72 रनों की पारी, और जब आप ऐसी पारी खेलकर एक मैच में आते हैं तो आपका आत्मविश्वास उरूज पर होता है। नदीम धनौरी पिछले मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन ये वो मैच है जो धनौरी जीतना चाहेंगे, क्योंकि इसको जीतने वाली टीम का 1 इनाम पक्का हो जाएगा। वीटी वॉरियर्स ने आज जिस तरह से क्रिकेट खेली है काबिले तारीफ, और अब मान 11 दस्तान ये स्कोर को चेस करेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है मान 11 दस्तान की, जिमी दरबार और नदीम धनौरी। गुजरात और राजस्थान के दोनों बैटर्स हैं, राजस्थान का एक सबसे बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में नदीम धनौरी को देखा जा रहा है। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ऐसे 4 इंडिविजुअल अवार्ड्स, 2 ट्रॉफियां। दर्शक अगर बाउंड्री लाइन में कैच लेते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर तो उनको एक 70-70 पंत स्पोर्ट्स का टी शर्ट भी दिया जाएगा। पहला ओवर लेकर अब तैयार होते हुए राजेश सोरटे खास पुणे से पधारे हुए हैं। और स्ट्राइक पर है जिमी, एक अच्छा कॉन्टेस्ट जिमी और राजेश सोरटे के बीच में। राजेश सोरटे ये भी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है योगेश पेड़कर ने, बहुत बढ़िया सीधा रिलीज। बहुत कम ऐसे गेंदबाज होते हैं जो टूर्नामेंट के कोई भी मैच का पहला ओवर करते समय पहली बॉल सीधी करे और वाइड न करे, और राजेश सोरटे ऐसे कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से जो पहली बॉल बहुत रेयरली वाइड करते हैं। इस बार ठोक डाला, जिम्मी जहां रुका था वहीं से शुरू करता हुआ दस्तखत कर दिया।
मान 11 दस्तान, मान 11 का मान बढ़ाने वाली पारी खेलनी होगी जिम्मी नदीम को। पवन किरे ने जो 45 रन बनाए थे उस रनों को वसूल भी करना है। दो स्ट्रॉन्ग टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये वो मैच है जो एक इनाम पक्का करेगी। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट और बेहतरीन फील्डिंग इजाज कुरैशी थे। ये मैच की कीमत कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए है। मतलब आप सोचिए हर बॉल कितना महत्वपूर्ण है। नदीम धनौरी स्कोर 7। बहुत बढ़िया गेंद, राजेश छोटे परफेक्ट लेग कटर्स करते हुए धनौरी को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस मैच में बिंदी गेंद के ऊपर भी काफी नजरें रहेगी दोनों टीमों की। शफल होकर खेलते हुए नदीम धनौरी बराबर से, वो आत्मविश्वास नहीं था। लेग बाय स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। करंट रन रेट जो है इसकी तरफ अगर मैं देखूं तो इस वक्त 9.6 सिफर, रिक्वायर्ड रन रेट 15.29, 15.29 का रिक्वायर्ड रन रेट है। बेहतर बॉल थी यहां पर, एक बेहतरीन ओवर पूरा करते हुए राजेश सोरटे, सोरटे 1 ओवर 7 रन, 4 बॉल 7 पर खेल रहे जिमी, 2 बॉल 0 पर खेल रहे नदीम धनौरी, 1 ओवर 8 रन, 79 रन चाहिए 30 गेंदों में। और नए ओवर को प्रारंभ करेंगे जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल आज एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके हैं, 2 ओवर 15 रन 3 विकेट। गुजरात से जो कुछ प्रमुख खिलाड़ी शुरुआत में बाहर खेलने आए उसमें जिग्नेश का नाम रहा। मुझे आज भी याद है 2016 में शारजा के इंटरनेशनल स्टेडियम पर जो विजेता टीम रही थी पैसिफिक वेंचर्स, उसके वो सदस्य थे और बहुत जबरदस्त बॉलिंग रही थी सेमीफाइनल में। इस बार धनौरी ने उठा दिया है लेकिन धनौरी आउट, व्हाट अ कैच।
चुके हैं, साथ में है जीत पटेल, दो बॉल एक। उसी दिशा में एक बार फिर से खेला इजाज कुरैशी, वहां पर पहुंचते हुए नो बॉल दी गई है और फ्री हिट। देखिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें क्योंकि इसके बाद बड़ा मैच है, फाइनल मैच हमें खिलाना है और पूरे स्वच्छ सूर्य प्रकाश में फाइनल हो, ये हम सभी की इच्छा है। एक रन लेते हुए वहां पर गेंदबाजी का तपता हुआ सूर्य जिग्नेश, क्या बेहतरीन ओवर किया है, पावर प्ले के इस ओवर में बहुत कंजूस गेंदबाजी रही है और अब तक अगर देखें तो 8 रन दिए हैं लेकिन एक विकेट लिया है, यह बहुत अहम बात है। जिगर 11 के जिग्नेश, अब यहां पर जिम्मी ने तान दिया है गेंद के नीचे, पवन और पवन ने A1 कैच ले लिया, आउट हो गए जिम्मी। जैसे आपने श्रेयस कदम के हेलीकॉप्टर शॉट्स देखे वैसे बंटी के भी हेलीकॉप्टर शॉट्स बहुत ही मशहूर हैं, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम 10PL कही है या फिर रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी कही है, लेकिन जिग्नेश पटेल की तारीफ करनी होगी। मैं चलते चलते थक गया हूं अब और चल नहीं सकता, लेकिन क्या करूं मैं वो सूर्य हूं जो शाम के पहले ढल नहीं सकता। एक मिशन लेकर चल रहा है जिग्नेश पटेल और पहला ओवर इतना अच्छा था कि दूसरे ओवर ने उसको और वहां पर कॉम्प्लीमेंट किया। राजेश छोटे 1 ओवर 7 रन कोई विकेट नहीं, जिग्नेश पटेल 1 ओवर 8 रन 2 विकेट, 24 गेंदे 71 रन, हर बॉल पर 3 रन चाहिए और यहां से शुरू होता है असली क्रिकेट। जीत पटेल 3 बॉल 2, बंटी पटेल, अब दोनों पटेल एंड पटेल, इन पर जिम्मेदारी है। इस बार स्ट्रोक अच्छा है लेकिन पवन और पवन, ओ माय गॉड, पवन स्पाइडरमैन बन गए थे ऐसा लगा जिस तरह से वो दौड़ कर आए थे।
लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में बॉल बाहर लैंड हुई है और ये 6 रनों का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 for 2। राजेश सोटे के सामने मोर्चा खोलते हुए यहां पर बैटर जीत पटेल, 4 बॉल 8। जीत को जीतना ही होगा, आज नहीं जीतूंगा तो कब जीतूंगा, और मैं नहीं जीतूंगा तो कौन जीतेगा। जीत को ये 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं। इस बार बेहतर बॉल थी, थोड़ा सा गेंद की लंबाई में भी बदलाव लाते हुए राजेश सोल्टे, बहुत ही उपयोगी हरफन मौला खिलाड़ी हैं। 22 पे 2, 22 गेंदों में अब 65 रन चाहिए, वही हर बॉल पर 3 रन। इस बार स्ट्रोक बढ़िया है और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड निकल जाएगी गेंद 4 रन के लिए, कड़क स्ट्रेट ड्राइव 4 रन्स। ट्वेंटी 6 for 2, 6 बॉल 12 पर जीत पटेल। सामना करेंगे राजेश सोटे का, 200 का स्ट्राइक रेट पटेल का, तेज बॉल। अब ये कमबैक बॉल थी राजेश सोटे की, देखिए रन जाएंगे, दुनिया में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसको चौका छक्का ना लगाओ, और कोई बैट्समैन भी ऐसा नहीं है जो 0 पे आउट ना हुआ। एक बिल्कुल सिंपल फंडा है क्रिकेट का। बढ़िया गेंद राजेश सोटे की, एक्स फैक्टर बनकर आए हैं इस ओवर में। मध्य प्रदेश के सीहोर से जब आप सोरटेक्स गेहूं लाते हैं वैसा ही ये सोरटेक्स है, और फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सोरटेक्स एक स्पेलिंग में है, यहां पर सोरटे और फिर बाजू में एक्स है। 26 for 2, नहीं वो आजादी नहीं मिली है, यहां पर स्कोर दब गया है इस ओवर में, और 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर के बाद स्कोर है 27, 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 18 गेंदों में 60 रन चाहिए, और 18 गेंदों में 60 रन चाहिए उसका मतलब ये है कि हर ओवर में 20 रन चाहिए, और 20 जो है वो प्लेंटी है या नहीं, आइए इसकी दास्तान को हम सुनते हैं अजीज भाई से। शुक्रिया। अब्दुल्ला की ओर से हैट्रिक अगर विकेट लेते हैं इस ओवर में जिग्नेश पटेल। नितिन मांडुंगे फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप स्क्वेयर लेग, और इस बार डाउन द ग्राउंड शो को खेला गया। गेंद गई वहां पे, एक आसान कैच वहां पे पवन केने के लिए, ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय पवन केने इन डीप लॉन्ग ऑफ। जल्दी आए और गेंदबाजी में योगेश पेनकर सर से विनती करता हूं कि थोड़ा जल्दी कहिए आप, क्योंकि इसके बाद में फाइनल मैच भी खेलना है। वो ऐसा रहेगा 6 ओवर का मैच खेला जाए, या ऑर्गेनाइज कमेटी डिसाइड कर सकती है फाइनल मैच के बारे में कि कितना टाइम बचेगा इस, जैसे ये इनिंग समाप्त होगी उसके बाद सोचा जाएगा ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से कि कितने ओवर का फाइनल रखा जाए। जिग्नेश गेंदबाजी के ऊपर, 6 गेंदबाजी, देखे स्कोर है 27 रन मान इलेवन दस्तान का, नौशाई गेंद के ऊपर है बल्लेबाज बंटी पटेल, ये बाएं हाथ के उपयोगी बल्लेबाज आए बीच मैदान के ऊपर मान इलेवन दस्तान के लिए। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां नितिन माटुंगे की दिशा में डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर हाफ है, जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए और थ्रो दिया जाए जिग्नेश की ओर।
बंटी और जिग्नेश दिखे सामने जमीर हाय दिखे। हाँ आर्यर कप में भी देखा वहाँ वो मैच जिग्नेश की टीम एमयूसीसी श्यामलपुर ने 6 रन से जीता। वो एक टीम के सदस्य अलग अलग टीम से खेलना हुआ है ये अपनी मर्जी है, देखे कौन सी टीम से खेलना ये खुद डिसाइड करते हैं वहां पे। बाएं हाथ से राउंडी विकेट बंटी पटेल के लिए, ये इस बार स्वीप करना चाह रहे थे। निर्णायक विकेट कीपिंग वहां पे योगेश पेनकर की ओर से, एक से एक धमाका होने जा रहा है। देखे 77 इनके स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैस 28 से 31 तारीख तक। ये फिर से दौड़ के खूबसूरत वापसी, एक अच्छे खूबी और खामी जानते हैं ये गेंदबाज और बल्लेबाज। दूसरे देखे स्माइल दी जा रही है वहां जिग्नेश की ओर से और बंटी पटेल की ओर से, एक बहुत अच्छे दोस्त है दोनों। आज क्लीन बॉल, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, ये तो बैटल में कामयाब रहे वहां जिग्नेश पटेल। साहिल वर्मा भाई बल्लेबाजी के ऊपर, कल दिखे जीएमए बॉयज बाटा एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है, उसके बाद 1, 2, 3 तारीख को कस्बा 4, 5, 6 सीएस के धमाका करने जा रही है। नूर ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट वापी ये भी ऑर्गेनाइज कर रही है, खान सीसी वापी कुमार सड़क क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पहला इनाम 50, दूसरा इनाम 25,000, एंट्री फी 8,000, वेन्यू कुमार सड़क क्रिकेट ग्राउंड वापी 8 तारीख 8 जून। कॉन्टेक्ट नंबर 9558143624। लगातार आयोजन किए जा रहे हैं देखे मई और जून में। साहिल वर्मा है बल्लेबाजी के ऊपर, एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है मान इलेवन दस्तान की ओर से। दूसरी ओर 4 बहुत विकेट ले चुके हैं 9 रन देकर जिग्नेश पटेल। और इस बार खूबसूरत बैठक शो खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। योगेश भाई थोड़ा जल्दी करें आप, बॉलर अपने मयूर वाघमारे को अब शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। एक कुछ बातचीत नहीं वहां योगेश पेनकर और मयूर वाघमारे के बीच, एक अच्छा नाम है देखे मयूर वाघमारे। 12 गेंदों के ऊपर 53 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए मान इलेवन दस्तान को। 15 रन दिए गए 2 ओवर में और 4 विकेट लिए गए जिग्नेश पटेल की ओर से टीम जिगर 11 के लिए। 53 चाहिए 12 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार स्वीप किया बल्लेबाज ने, एक टप्पा जब तक गेंद को फील किया जाए, क्या खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है जिग्नेश पटेल की ओर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। निश्चित 3 रन रोके जा रहे हैं जिग्नेश की ओर से, स्कोर 35 रन। पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है 5। मयूर वाघमारे अपने कोटे के पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहा है जिगर 11 की ओर से, और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज साहिल वर्मा। फील्ड देखे एक शॉट फाइनल, एक शॉट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर आशीष सागर कर प्रसन्न फील्डिंग कर रहे, शॉट गली के स्थान के ऊपर, शॉट पॉइंट के स्थान के ऊपर जिग्नेश पटेल। और इस बार फिर से डीप इंक्रीज गए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौको खेला गया साहिल वर्मा की ओर से 6 रन के लिए।
रन बनाकर आउट रहे साहिल वर्मा मान इलेवन दस्तान के लिए। और ये भाई वाइड यॉर्कर वहां पे गेंद गई योगेश पेनकर की दिशा में और जिग्नेश के मार्फत अब पहुंचाई जा रही है गेंदबाज की ओर। विटी वॉरियर्स उमर इलेवन अपने जो प्लेयर्स है वो तैयार रखे क्योंकि इसके बाद तुरंत टॉस होगा उसके बाद मैच फाइनल मैच खेला जाएगा। और इस बार स्ट्रेट आइसो को खेला गया एक खूबसूरत फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑफ के फील्डर्स की ओर से निश्चित तीन रन बचाए जा रहे हैं वहां फील्डर की ओर से। मुझे फील्डर ना मेनू राजेश शॉर्ट फील्डिंग कर रहे थे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्कोर 42 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 गेंदों में 45 रन चाहिए 7 बॉल 45। पवन केने की पारी जो थे वो महत्वपूर्ण थी 56 रनों की जो साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच रजत मुंडे और पवन केने के बीच। इस बार स्क्वेले की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया और जब तक गेंद को आकर फील किया जाए शॉट स्क्वेले के सन के ऊपर जिग्नेश पटेल की ओर से ओवर के बीच समाप्ति। अब 6 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए 6 बॉल 44। प्रसन्न ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पारी के अंतिम ओवर में। देखिए 70 यूट्यूब लाइव बड़ी मात्रा में आप शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन का बटन दबाए और 70 बॉल ये बहुत ही फेमस हो चुका है देखिए पूरे ऑल इंडिया में। छोटी सी शॉप से शुरुआत की गई जनाब तारी भाई सैयद सर की ओर से आज एक ऊंची सीमाओं के ऊपर है 70 स्पॉट्स। प्रसन्न गेंदबाजी के ऊपर और इस बार एक थ्री स्पीड के साथ गेंदबाजी की गई वहां प्रसन्ना की ओर से 5 गेंदे 5 में चाहिए 45 रन 44 रन चाहिए ये बहुत ही डिफिकल्ट चेस हो चुका है। पवन केनी और रजत मुंडे की जो साझेदारी वो आगे लेके गई वहां पे जिगर इलेवन को विस्फोटक पारी खेली गई पवन केनी की ओर से और ये वाइट यॉर्कर की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ओके रिव्यू लिया जा रहा है बैटिंग टीम के और से कि ये वाइड है या नहीं है और कन्यानी घुटपड़े सर इसमें देखे गेंद को देख रहे कि वाइड है या नहीं है। वाइड डिक्लेयर ओके वाइड बॉल का ही सर देखे थर्ड अंपायर कल्याणी घुटपड़े सर की ओर से। इस बार गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर पवन केने फील्डिंग कर रहे थे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये बाएं हाथ से बहुत तेज थ्रो करते हैं ऐसे बहुत कम ऐसे फील्डर्स हैं जो दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ से थ्रो करते हैं। ये झलक दिखाई गई वहां पवन केने में स्ट्राइक के ऊपर संकेत टंडेल। और इस अपराइट सीम के साथ देखे गेंदबाजी की जा रही है प्रसन्ना की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 गेंदों में 42 रन चाहिए इस मैच को सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए मान इलेवन दस्तान को। अच्छा सफर रहा है बल्लू भाई दस्तान का जर्नी अच्छी रही है। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौको खेला गया बल्लेबाज की ओर से वन बाउंस
चार रन चली जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, चार रन स्कोर 49। दो गेंद अभी भी शेष है और दो गेंदे में 38 रन चाहिए। अब डिफिकल्ट चेस हो चुका है मान इलेवन दस्तान के लिए। ये थी बस खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, एक रन जरूर मिला बल्लेबाज को, वहां शॉट फाइन लेके फील्डर की ओर, करण मोरे फील्डिंग कर रहे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, वो आया शॉट पॉइंट के सन के ऊपर, मॉनिले शॉट थर्ड मैन के सन के ऊपर, शॉट फाइन लेके सन के ऊपर मयूर वाघ मारे। इस बार स्टेट सिस्टम को खेला बल्लेबाज ने गैप में, लेकिन इस प्रकार इस मैच को जीत जल्द से जल्द जिग्नेश भाई जल्द से जल्द आएंगे दौड़ के टॉस के लिए। सिग्नेस भाई और विटी वॉरियर्स ग्रैंड फाइनाले मुकाबले का टॉस होगा। चैंपियन टीम को 1 लाख और रनर्स अप टीम को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार। तो दोनों कप्तान दौड़ के आइएगा, बहुत वक्त गुजर चुका है और ग्रैंड फाइनाले मुकाबले का टॉस करेंगे हमारे मुख्य मेहमान के रूप में लाला भाई।